नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपको मूल अधिकार बताने वाले हैं और जो कि आपके एनटीपीसी रेलवे या किसी तरह के वनडे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं, आज का मेरा टॉपिक है मूल अधिकार, अर्थात जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में इसका वर्णन है। अगर हम लोग ये देखें स्टार्टिंग से, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल आपका 12 से आपका 35 के बीच में है, अर्थात 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में भाग कौन सा है, तो भाग आपका भाग 3 है। अगर इसको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 होती है। पहला कौन सा, समता का अधिकार, इसको कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से आपका 25 से लेकर 28 के बीच में है, 25 से 28 तक है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन खूब आता है, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे समता का अधिकार, क्या पढ़ेंगे, समता का अधिकार। समता का अधिकार पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सब लोग आपस में बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अर्थात किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून की नज़र में सबको वही दंड है जो एक रिक्शा चलाने वाले को है, वही एक जैसे पीएम हो, सीएम हो या किसी भी पद पर हो, उसको भी उतना सजा मिलेगी जितना किसी एक गरीब व्यक्ति को मिलेगी। तो यहाँ पर कानून के समक्ष सब लोग आपस में समान है, आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 में इसका क्या है, आर्टिकल 16 में दिया गया है कि आर्टिकल 16 में आपका क्या कहा गया, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात कोई भी फॉर्म निकलेगा, कोई किसी भी पद के लिए निकलेगा, अगर आप उस पद के योग्य हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता उतना है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता आपको रहेगी। आर्टिकल 17 की अगर हम लोग बात करें, तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता, अर्थात किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, अर्थात छुआछूत नहीं हो सकता है, आपका आर्टिकल 17 इसका निषेध करता है। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों के अंत की घोषणा करता, अर्थात किसी के पास कोई उपाधि नहीं होगी, अर्थात कोई राजा नहीं होगा, कोई रानी नहीं होगी, इस तरह से कोई इसी तरह का या महाराजा धीराज की, अर्थात ऐसे टाइप की कोई उपाधि किसी के पास नहीं होगी जिससे किसी के मन में देश के प्रति में या संविधान के प्रति में कोई भेदभाव न रहे, कि मतलब हम ऊँचे हैं वो नीचे हैं, इस तरह का कोई भेदभाव उसके अंदर ना रहे। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला आपका टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम इसको मिटा देते हैं पूरा
और फिर से हम लोग एक बार फास्ट ट्रैक ढंग से रिवाइज कर लेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो ऐसे भौतिक अधिकार जिस जो कानून के नज़र में गलत हो उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है वर्णन, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार है, इसको हम लोगों ने आज पढ़ा। भाग कौन सा है, तो भाग की अगर हम बात करें तो भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो मौलिक अधिकार पहले कौन से हैं, समता का अधिकार, दूसरा क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हमने क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता के बाद धार्मिक अधिकार, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद हम लोगों ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ा। अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल आर्टिकल आपका 19 से 22 के बीच में है, तो हम लोग पहला पढ़ेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) है, आर्टिकल 19(2) है, आर्टिकल 19(3) है, आर्टिकल 19(4) है, आर्टिकल 19(5) है, आर्टिकल 19 आपका क्या है, 6 है, आर्टिकल 19(7) है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो हमने बताया 6 हैं और यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 7 लिखा। आगे हम बताते हैं कि चूंकि आपका कुछ अधिकार हैं जो समाप्त कर दिए गए हैं, इसका अर्थ हमने यहाँ पर 7 लिखे हैं। तो सबसे पहला 19(1) में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता मतलब हम कहीं पर भी किसी भी मामले में हम बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ ये है कि इंटरनल कोई मामला हो या किसी देश से जुड़ा कोई मामला हो तो उसमें अपनी राय हम नहीं रख सकते हैं। बाकी कोई भी मामला हो अपने देश के अंदर या देश के भीतर, अगर मेरी राय में कुछ सही लगता है गलत लगता है अपने हिसाब से हम बोल सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, जब हम बोलेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लोग इकट्ठा होंगे। अगर इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में हम लोग याद करें, पहला नंबर तो हम लोग क्या देखें, बोलने की स्वतंत्रता, पहले हम बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होंगे तो सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, तो सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 19(2) में है। उसके बाद सभा करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी पार्टी बना सकते हैं। जब संगठन बना लेंगे तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करने की स्वतंत्रता, जब भ्रमण करेंगे तो निवास भी करना चाहेंगे तो निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास जब करेंगे तो संपत्ति अर्जित करेंगे तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जो कि वर्तमान में इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में हुआ था, इसको हटाकर इसको आर्टिकल 301 के काम में कर दिया गया, 300 के काम में कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमने क्या पढ़ा, बोलने की स्वतंत्रता, तो बोलने की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 19(1) में है। सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) में है।
और उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपका 19(3) में है, और भ्रमण करने की स्वतंत्रता यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19(4) में दिया गया है, निवास करने की स्वतंत्रता और उसके बाद संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसको कहाँ पर रखा गया, 300 के का में रखा गया है, और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व्यापार करने की भी स्वतंत्रता। तो हम लोग अगर इसको ट्रिक टाइप में याद करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने घर से निकले, हम लोग बोलना स्टार्ट किए तो बोलने की स्वतंत्रता, जब बोलने लगे तो लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा हुए तो सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 19(2) में दिया गया। संगठन बनाने की स्वतंत्रता अर्थात हम अपनी पार्टी बनाकर अपनी बात को रख सकते हैं। उसके बाद जब हम संगठन बना लिए, संगठन पहला नंबर तो हम बोले, लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा हुए तो हम संगठन बना लिए, एक संगठन का रूप दे दिए, और उसके बाद जब संगठन बना लिए तो कहीं पर समस्या आ गई, समस्या भी हल करने हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे, जब भ्रमण करेंगे कहीं गए आए तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी लगी तो हम निवास करने की स्वतंत्रता, निवास भी करने लगे, निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम कहीं पर भी हैं निवास कर सकते हैं, अर्थात हम चाहे किराए का घर लेकर निवास करें चाहे जहाँ करें, हाँ ये है कि किसी का निजी मामला ना हो उसमें तो हम निवास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम शहर में चले गए और शहर में चले गए वहाँ पर किसी का घर, हम वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा निवास करने का अधिकार है, वहाँ पर निवास करने का अधिकार तब हमको होगा या तो हम उसकी ज़मीन खरीद लेंगे या तो उसका घर खरीद लेंगे अथवा रूम का रेंट देंगे, तभी हमको निवास करने की स्वतंत्रता, अन्यथा निवास करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती है। आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 तो नहीं कहा जा सकता है, ये 44वां संविधान संशोधन है, 19(6) यहाँ पे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटाकर महज कानूनी अधिकार कर दिया गया, उसको कहाँ पे रखा गया, 300 के का में रखा गया है। और उसके बाद आर्टिकल 19(7) में है आपका क्या दिया गया, व्यापार एवं अधिगम की स्वतंत्रता, अर्थात व्यापार कर सकते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर रहकर चाहे मुंबई में रहें चाहे दिल्ली में रहें, कहीं पर भी रहकर हम अपना व्यापार कर सकते हैं, किसी प्रकार से हमको रोक टोक नहीं होगी। तो आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग आज क्या क्या पढ़े, हम लोग आज मौलिक अधिकार में पढ़े समता का अधिकार, समता का अधिकार कहाँ पर है, भाग 3 में है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है ये हम लोगों ने पढ़ा, और मौलिक अधिकारों की संख्या कितना होती है, मौलिक अधिकारों की संख्या 4 होती है, हम लोगों ने इसको जाना। समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा कि समता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में समता का अधिकार अर्थात कानून के समक्ष सब लोग आपस में समान है, आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता हम लोगों ने पढ़ा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 17 पढ़ा अस्पृश्यता का, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 18 पढ़ा, आर्टिकल 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, कोई मूंछ नीच नहीं है, इस कारण उपाधियों के अंत की घोषणा करता आर्टिकल 18। और हम लोग आज क्या पढ़े, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 19 को विस्तृत पढ़ा है। विस्तृत पढ़ने का मतलब सबसे पहले हम बोलेंगे तो लोग इकट्ठा होंगे तो हम सभा करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने के बाद भ्रमण करेंगे, भ्रमण करने के बाद क्या करेंगे, निवास करेंगे, और निवास करने के बाद जैसे ही संपत्ति अर्जित करने का प्रयास किए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सरकार ने क्या किया, महज कानूनी अधिकार बना दिया और इसको हटा दिया। और व्यापार एवं अधिगम की स्वतंत्रता, आप यहाँ पर रहें चाहे दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, कहीं पर भी रहें, आप अपना व्यापार कर सकते हैं, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। हाँ ये है कि जिस रूम में रह रहे हैं, जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हैं उस रूम का रेंट आपको दे रहे हैं, या तो आप वहाँ पर जमीन अपनी निजी खरीद रहे हैं, इस वहाँ पर ऐसा व्यापार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जय हिंद नमस्कार।